नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 अगस्त शनिवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के लेटर में राहुल गांधी पर चापलूसों से घिरे रहने के आरोप के बाद सियासत तेज हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुलाम नबी आजाद पर पलटवार करते हुए उन्हें राजीव गांधी के भाई संजय गांधी का चापलूस बताया है। गहलोत ने जयपुर में मीडिया से कहा, संजय गांधी के वक्त में ये सब चापलूसी माने जाते थे। आज ये जिन लोगों को चापलूस कह रहे हैं, उस वक्त गुलाम नबी आजाद समेत जो लोग भी संजय गांधी के साथ थे वे चापलूसी माने जाते थे, साइकोफेंट माने जाते थे। संजय गांधी ने परवाह नहीं की, आजाद इतने बड़े नेता बने। उस वक्त कई नेता कहते थे कि संजय गांधी चापलूसों से घिरे हुए हैं। उस वक्त संजय गांधी अगर दबाव में आकर हटा देते तो आज गुलाम नबी आजाद का नाम देश के लोग नहीं जानते। गहलोत ने कहा, संजय गांधी भी कई लोगों की बात नहीं मानते थे, दूसरे कई नेता और गुलाम नबी आजाद उन्हीं के प्रोडक्ट हैं। संजय गांधी यूथ कांग्रेस में थे, तब उन पर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनने के आरोप लगे थे। उस वक्त के प्रोडक्ट ही आगे जाकर मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री और पार्टी संगठन में बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। पदों पर 90% वे नेता पहुंचे जो संजय गांधी के साथ थे। मानसा पुलिस ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के कत्ल की 1850 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में कुल 36 आरोपियों में से 24 कातिलों के नाम दिए गए हैं, जिनमें मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस है। इसके अलावा विदेश में बैठे 4 गैंगस्टर गोल्डी बराड़, लिपिन नेहरा, सचिन थापन और अनमोल के नाम है। पुलिस से चार्जशीट में 122 गवाह शामिल किए गए हैं, जिसमें चश्मदीद, मूसेवाला के साथ कत्ल के वक्त मौजूद दोस्त, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, शूटरों के ठहरने वाले होटल के स्टाफ समेत कई लोग शामिल किए गए हैं। मानसा के SSP गौरव तुरा ने बताया कि इस केस में अब तक 20 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 2 शूटर्स का एनकाउंटर हो चुका है। इस चार्जशीट में मूसेवाला की रैकी करने वाले संदीप केकड़ा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा शूटर प्रियव्रत फौजी, अंकित सिरसा और कशिश उर्फ कुलदीप का नाम भी है। अमृतसर में एनकाउंटर में मारे गए शूटर मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा का भी नाम दिया गया है। इसके अलावा इनकी मदद करने वाले गैंगस्टर मनप्रीत भाऊ, मनप्रीत मन्ना, सराज मिंटू, मनमोहन मोहना, सचिन भिवानी का भी ब्यौरा दिया गया है। श्री गंगानगर जिले में शोभा सिंह वाली ढाणी के पास लोक परिवहन की बस की टक्कर से बाइक सवार युवक और उसकी 4 साल की बेटी की मौत हो गई। युवक राम सिंह गांव 7A स्थित अपने घर से पदमपुर सूरतगढ़ बाईपास रोड की तरफ पत्नी गगनदीप और 2 बच्चियों के साथ निकला था। युवक बाइक चला रहा था, उसकी पत्नी और एक बच्ची उसके पीछे बैठी थी तथा दूसरी बच्ची पत्नी की गोद में थी। इसी दौरान अचानक बीकानेर से श्री गंगानगर आ रही लोक परिवहन की बस ने उसे टक्कर मारी। हादसे में 4 साल की बच्ची हर्षदीप कौर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राम सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। युवक की दूसरी बेटी और पत्नी घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सदर थाना पुलिस ने बताया कि गगनदीप कौर और उसकी पुत्री गंभीर घायल हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनेस समेत दुनिया के 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। PM मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% है। वे पिछले 2 साल से लगातार इस रेटिंग में टॉप पर बने हुए हैं। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 41% की रेटिंग के साथ 11वें नंबर पर हैं। पिछली बार वे 6वें नंबर पर थे। वहीं ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन इस बार 10वें से 20वें स्थान पर खिसक गए। रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज एब्राडोर रहे, जिन्हें 63% लोगों ने वोट किया। वहीं तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनेस हैं, जिन्हें 58% लोगों ने पसंद किया। इस सर्वे पर इस साल 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच किया गया था। चित्तौड़गढ़ जिले के श्री सांवलिया जी मंदिर में कृष्ण चतुर्दशी पर दान पेटी खोली गई। पहले दिन 4,01,00,000 रुपए की गिनती की गई। अगली गिनती कल रविवार को की जाएगी। अमावस्या में भीड़ होने के कारण आज शनिवार को गिनती नहीं की गई। इसके अलावा मंदिर प्रशासन जल झूलने एकादशी की तैयारियों में जुटा हुआ है। श्री सांवलिया जी मंदिर के अध्यक्ष भैरूलाल गुज्जर ने बताया कि हर महीने की तरह
चतुर्दशी पर दान पेटी खोली गई। राजभोग आरती के बाद एडीएम और मंदिर मंडल के सीईओ गीतेश श्री मालवीय के सामने रुपयों की गिनती शुरू की गई थी। शाम तक 4,01,00,000 रुपए की गिनती पूरी की गई। अभी सोने चांदी का तोल भी बाकी है। देश भर में पिछले 3 महीने में 100 से ज्यादा केस सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टोमेटो फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें 12 साल तक की उम्र के बच्चों को विशेष सतर्क रहने के निर्देश दिए। इस बीमारी में बच्चों के शरीर पर लाल टमाटर की तरह छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं। इसके चलते इस बीमारी को हेल्थ विशेषज्ञों ने टोमेटो फ्लू नाम दिया है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम हैंड फूड एंड माउथ डिजीज है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी होने के बाद मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान ने भी सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल, सुप्रीडेंट, जिलों के CMHO और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को एडवाइजरी जारी करते हुए इस मामले में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। राजसमंद झील साल भर जिले की प्यास बुझाती है। झील में पानी आने का प्रमुख स्रोत है गौमती नदी। अच्छे मानसून के बावजूद झील गौमती के पानी के लिए तरसती रही। अब गौमती नदी का पानी राजसमंद झील के पास पहुंचा है। गौमती नदी की धारा 52 टुकड़ा गांव तक पहुंच गई। गौमती की धारा को देखने के लिए आसपास के इलाकों के ग्रामीण 52 टुकड़ा गांव पहुंच गए। गौमती नदी के राजसमंद विधानसभा सीमा क्षेत्र में एंट्री करने पर स्थानीय विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी 52 टुकड़ा पहुंची और गौमती नदी की पूजा कर स्वागत किया। राजसमंद की सीमा में प्रवेश करने पर गौमती नदी को लाल चूनर ओढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। कामना की गई कि जल्द से जल्द गौमती नदी की धारा राजसमंद झील में पहुंचे और झील का जल स्तर बढ़े। गौमती नदी अभी 1 फीट के गेज पर चल रही है। दौसा जिले से गुजर रहे मनोहरपुर कैथून नेशनल हाईवे पर देर रात सड़क हादसे में 8 लोग घायल हो गए। सभी घायल एमपी के मुरैना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो खाटू श्याम जी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। इस दौरान सैंथल थाना क्षेत्र के चलाना बालाजी के पास कंटेनर व कार में भिड़त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि मनोहरपुर कैथून नेशनल हाईवे पर देर रात हुए हादसे में 8 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में एमपी के मुरैना क्षेत्र के अंबा निवासी विजय सिंह व प्रेम कुमारी, प्रदीप, शिवानी, शिवम, रासू, राघव व महावीर घायल हो गए, जिनमें से शिवम, शिवानी व प्रेम कुमारी को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। धौलपुर जिले के बाड़ी में आराध्य देव अलख निरंजन निराकार डांग के बाबू महाराज का मेला बाबू दौस पर 29 अगस्त सोमवार को भरेगा। ऐसे में मेला आयोजन को लेकर बाबू महाराज कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें मेले की व्यवस्थाओं को लेकर कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्यों के बीच चर्चा हुई। बाबू महाराज मेला कमेटी कोरोना महामारी के चलते 2 वर्ष बाद मेले का आयोजन कर रही है। ऐसे में इस बार अधिक संख्या में लोगों के आने की संभावना के चलते विशाल मेले को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। साथ में उपखंड प्रशासन भी मेले की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ले रहा है। जोधपुर शहर के चपासनी हाउसिंग बोर्ड के एक युवक ने एक लड़की से ऑनलाइन दोस्ती के बाद चैट शुरू की। बातों में आकर लड़की ने अपना न्यूड वीडियो डाला। लड़की के साथ एक अन्य युवक ने साजिश रचकर न्यूड वीडियो को एडिट कर युवक को अब धमकाना शुरू कर दिया है। उसके वीडियो को नेट पर वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख की मांग कर ली। पीड़ित युवक ने चपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाने में शिकायत दी है। युवक ने बताया कि उसकी पहचान लड़की से होने पर उसने अपना वीडियो भेजा था। उसके साथ वाले किसी युवक ने साजिश रचकर वीडियो को एडिट कर दिया और अब कॉल कर 10 लाख की डिमांड कर रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।